नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दिवसीय अमेरिका की राजकीय यात्रा का समापन हो गया है। वो अमेरिका से ही इजिप्ट की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एक बहुत ही विशेष यूएसए यात्रा का समापन हुआ है, जहां मुझे भारत यूएसए की मित्रता को गति देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों और बातचीत में भाग लेने का मौका मिला। हमारे देश और पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा में 11वीं सदी की अलहक मस्जिद का दौरा भी करेंगे। मिस्र में राष्ट्रपति अल सीसी से मुलाकात से पहले वहां के मंत्रियों के एक समूह को मिलाकर गठित इंडिया यूनिट के साथ बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलियोपोसिल शहीद स्मारक भी जाएंगे, जहां पर प्रथम विश्व युद्ध के शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। अपने अमेरिका दौरे के आखिरी कार्यक्रम को पीएम मोदी ने जॉन एफ कैनेडी सेंटर में यूएस भारत रणनीति साझेदारी फोरम कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के व्यापारिक नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने बोइंग के सीईओ डेविल कैलहॉन, अमेजॉन के सीईओ एंड्रयूज जेसी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई सहित अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के साथ व्यावसायिक एक बैठक भी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर गौ आश्रय केंद्र बनाए। बावजूद इसके जिम्मेदारों की दासीनता की वजह से आज भी बड़ी संख्या में छुट्टा पशु आपको साफ तौर पर घूमते नजर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, अब ये आवारा सांड लोगों की जान भी लेने लगे हैं। हरिया तहसील में ही अब तक सांड ने 6 लोगों की जान ले ली है, 7 लोगों को घायल कर चुका है। गांव वालों की मदद से किसी तरह सांड को काबू में करके पकड़ा गया। सीडीओ बस्ती राजेश प्रजापति ने बताया कि विक्रमजोत ब्लॉक गोंडा बस्ती का बॉर्डर है, लिहाजा इन पशुओं को गोंडा जनपद से बस्ती में छोड़ दिया जा रहा है। हालांकि हमला करने वाले सांड को पकड़कर संरक्षित कर लिया गया है। उनके द्वारा सभी वीडियो संबंधित सीएचसी पीएचसी के डॉक्टर्स की टीम भी बनाई गई है, जो हमले में घायल व्यक्ति की त्वरित इलाज भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ चोट आई? यहाँ पर चोट आई, पूरा फट गया था। किस जगह? यही से। चेस्ट, रेस्ट पे। सांड का आतंक है कम से कम 3 महीने से, जिससे कई लोगों को मार चुका है। देखिए, वो चूँकि गुंडा का बॉर्डर है, बस्ती गुंडा के बॉर्डर पर है, ये शिकायत आई थी, कोई घर से सांड आ गया था और उसको जन सहयोग से पकड़ा लिया गया है और पकड़ करके गौशाला में घोषित करा दिया गया। तो सरकार ने गौ संरक्षण के लिए करोड़ रुपए खर्च कर गौ आश्रय केंद्र बनाए हुए हैं, जिसमें लगातार गौवंशों को रखा जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदारों की दासीनता सामने आती है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में छुट्टा पशु आपको घूमते नजर आ जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अब तक की आवारा सांड लोगों की जान भी लेने लगे हैं। हरैया तहसील की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आवारा सांड ने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, 7 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गाँव वालों का कहना है कि किसी तरह सांड को काबू में करके पकड़ा गया है। वही सीडीओ बस्ती राजेश प्रजापति कहते हैं कि विक्रमजोत ब्लॉक गोंडा बस्ती का बॉर्डर है, लिहाजा इन पशुओं को गोंडा जनपद से बस्ती में छोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि हमला करने वाले सांड को सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। उनके द्वारा सभी वीडियो संबंधित सीएससी पीएससी के डॉक्टर्स की टीम भी बनाई गई है, ताकि घायलों का जल्द से जल्द इलाज हो सके। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार 2 ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। ट्रक ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। एक्सीडेंट के चलते नेशनल हाईवे पर भीषण जाम लग गया। हाइड्रा की मदद से दोनों ट्रकों को हाईवे से हटाया गया है। मामला थाना सुमेरपुर इलाके के जेके सीमेंट फैक्ट्री रोड का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हमीरपुर से, जहाँ पर आमने सामने की जोरदार टक्कर ट्रकों के बीच हो गई है। नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार से दोनों ट्रक आ रहे थे और भिड़ंत हो गई। ट्रक ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम रहा, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था और ट्रक जो है वो सड़क पर ही यूं ही क्षतिग्रस्त होकर पड़े हुए थे। ट्रकों को हाईवे से किसी तरह हटाया गया है। मामला जो है पूरा वो थाना सुमेरपुर इलाके के जेके सीमेंट फैक्ट्री के रोड का है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियां बताने की जनसभाओं के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने हरदोई लोकसभा के अंतर्गत स्वाजपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है कि भारत राम राज्य से चलेगा।
उन्होंने धार्मिक भावनाओं को लेकर लोगों को आगाह करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने हम लोगों की धार्मिक यात्रा और कर्मकांड के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन आज हमारी सरकार हम लोगों की धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का काम करती है। उन्होंने पूर्व में रही समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी तीखा हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने भी विवादित बयान देते हुए पटना में विपक्षी दलों की होने वाली मीटिंग को खलनायकों की मीटिंग भी बताया था। निश्चित रूप से हमारी आस्था परंपरा हमारी संस्कृति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार काम कर रही है और हम लोगों को जनता ने चुना है और हमारा जो कमिटमेंट है सरकार उसे पूरा कर रही है। विपक्षी एकता को लेकर पटना में मीटिंग चल रही है। चार राज्यों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल हैं। विपक्ष 2024 में जीत का दावा कर रहा है। विपक्ष 2017 में भी गठबंधन में थे, 2019 में भी थे, 2022 में भी थे। ये जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है और इनकी सरकारों ने कोई काम नहीं किया और हम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो 9 वर्षों में काम किए हैं, हम लगातार हमारी पूरी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर इस प्रदेश की देश की महान जनता के बीच में। प्रधानमंत्री पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम लिख रहे हैं, दूसरी तरफ पटना में खलनायकों की मीटिंग हो रही है। बोला जितने देश के खलनायक हैं जो नहीं चाहते देश का विकास हो, जिनका सिर्फ एक नारा है मोदी हटाओ, और मोदी जी का एक नारा है गरीबी हटाओ। महोबा में कोतवाली महोबकंठ क्षेत्र के ग्राम घुटे स्थित अपने मायके में रह रही 25 साल की रेखा नामक विवाहिता का मकान के अंदर फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। तो वहीं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस द्वारा मृतका के शव का पंचनामा भरकर उसका पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की तफ्तीश शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि मृतका प्रजापति की शादी मध्य प्रदेश के ग्राम बंभोरी निवासी जितेंद्र के साथ हुई थी, लेकिन बीते कुछ समय से वो अपने मायके में रह रही थी, लेकिन संदिग्ध अवस्था में उसका फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं रेखा की मौत को लेकर ग्रामीणों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म बताया जा रहा है। आपके सामने क्या है ये पूरा मामला? ये ग्राम घुटई है, महिला रहती थी जो टीकमगढ़ मतलब ग्राम ममोरी थाना टीकमगढ़ की है और इनके मायके में रहती हैं ग्राम घुटई में। उन्हें मतलब फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है, ठीक है। उसी का पंचनामा भरा गया। मृतका का नाम रेखा प्रजापति पुत्री गौरी शंकर। झांसी के टोडी फतेहपुर निकटवर्ती ग्राम दुगारा में मंदिर के पास सूखे कुएं में रात में नील गाय गिर गई थी। जब खेत मालिक पुष्पेंद्र सुबह अपने खेत पर गया तो वहां उसने कुएं में नील गाय को देखा, जिसकी सूचना लगभग सुबह 7 बजे डालिक 112 को दी गई कि उसके खेत में सूखे कुएं में एक नील गाय गिर गई है। सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम से थाना टोडी फतेहपुर पुलिस फायर ब्रिगेड और वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर डालिक 112 फायर ब्रिगेड मऊरानीपुर मौके पर पहुंची, मगर वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। काफी इंतजार और फोन करने के बाद भी वन विभाग की टीम को आता ना देख डायलेक्ट 112 मौके से चली गई। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। फायर ब्रिगेड टीम में शिव बहादुर सिंह, अनिल अवस्थी, अमित गुप्ता, रतिराम सहित छविलाल आर्य, राम सहाय, जितेंद्र राज ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद नीलगाय को सूखे कुएं से रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। नीलगाय को काफी चोटें आई हुई थी, जैसे ही बाहर निकाला गया नीलगाय भाग गई। वन विभाग ने आना उचित ही नहीं समझा है, ये वन विभाग की लापरवाही है जिसकी वजह से यहाँ पर जो जानवर हैं उनकी आकस्मिक मौत हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नीलगाय जो है वो कुएं में गिरी हुई है, लेकिन वन विभाग की टीम यहाँ पर नहीं पहुंची। झांसी खुजराहो नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप के आगे मोटरसाइकिल और चरपहिया वाहन कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मऊरानीपुर से झांसी की तरफ मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे, इसी दौरान झांसी से मऊरानीपुर की तरफ चार पहिया वाहन भी आ रहा था, जिसमें दोनों ही वाहनों में निमोनी पेट्रोल पंप के सामने आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार विपरीत दिशा से आ रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी 108 एम्बुलेंस को दी, तो मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस ने घायल आकाश और आनंद यादव निवासी ग्राम खरका
को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र बांगर लाया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया। चारपहिया कार में सवार लोग मौके से भाग निकले। आपको बता दें कि दुर्घटना में दोनों ही गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें चारपहिया कार मौके से पलट गई। घटना की जानकारी पर पहुंचे चौकी प्रभारी बांगरा भी जांच पड़ताल में जुटे हुए नजर आए। बिजनौर में ट्यूबवेल ऑपरेटर की हत्या का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्यारोपी को आला कत्ल सहित गिरफ्तार किया है। उधार लिए पैसे वापस नहीं देने के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने जिम संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिजनौर थाना कोतवाली शहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर की तस्वीरें हैं, आपको बता दें कि इसमें लगातार पुलिस की टीमें गठित थी और ट्यूबवेल ऑपरेटर की हत्या का खुलासा करने की बात भी लगातार कह रही थी। आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उधार लिए पैसे नहीं देने के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने जिम संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिजनौर थाना कोतवाली शहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विगत 20 जून को सुबह बिजनौर नजीबाबाद रोड पर सुआहेड़ी जीरो पॉइंट के पास एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान नई बस्ती निवासी लेखराज के रूप में हुई, जो नगर पालिका परिषद में ट्यूबवेल ऑपरेटर था। उसके पुत्र की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान रिंकू शर्मा और अमन शर्मा का नाम प्रकाश में आया, जिसको हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने यह स्वीकार किया कि 2.5 लाख रुपया मैंने उधार लिया था। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने भ्रष्टाचारियों को समूह करार दिया। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि बैठक करने वाली विपक्षी के दलों की ना तो आपस में समान विचारधारा है, ना ही कोई उद्देश्य है। सब भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एकजुट हुए हैं, लेकिन इस बैठक और गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है। 16 दल को आप जोड़ लीजिए, किस तरह के दल हैं? कोई किसी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है, चाहे दिल्ली वाली सरकार के हो, महाराष्ट्र वाले के आधा दर्जन मंत्री बंद है, बंगाल वाली जो मैडम आई हुई है उनके मंत्रियों के घर में करोड़ों रुपया मिल रहा था, जेल में किस तरह के दल है? ये भ्रष्टाचारियों का एक जमात इकट्ठी हुई है, जनता इनको जानती है और ये बहुत अच्छा है इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं। जनता देख रही है कि ये भ्रष्टाचारी क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने देश के साथ क्या किया है, तो इसका इनको दोबारा चुनाव में सबक मिलेगा और इनका कोई भविष्य नहीं है। अलीगढ़ में सरकारी अस्पताल में इलाज रिपोर्ट बनाने के नाम पर 1500 रुपये मांगने का वीडियो सामने आया है। इसके अलावा 1500 से 15000 रुपये तक भी मांगे जा रहे हैं। पीड़ित ने अस्पताल के फार्मासिस्ट और वार्ड बॉयज ने 5000 रिश्वत के लिए बाकी के 10000 बाद में जमा करने का भी दबाव बनाया है। पीड़ित व्यक्ति झगड़े में घायल महिलाओं के इलाज और रिपोर्ट के लिए पहुंचा था। सरकारी अस्पताल बिजौली सीएससी पर तैनात फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के रिश्वत लेने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पाली मुकुमपुर थाना इलाके के गांव खडोरा निवासी पप्पू ने इस बात की शिकायत की है। अब देखना होगा इस पर एक्शन क्या लिया जाता है। अलीगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर रिपोर्ट देने के नाम पर, इलाज करने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, धनुगाही की जा रही है। अस्पताल के फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय 15000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। अच्छा, मेरी जानकारी में भी अभी आया है कि अतरौली क्षेत्र के जो मेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजौली है, वहाँ पर जो कुछ कर्मचारी हैं उनके द्वारा कुछ मेडिकल लीगल को लेकर कुछ धन उगाही का प्रकरण है। तो जैसे ही संज्ञान हुआ है तुरंत टीम बना दी गई है और हमारे डॉक्टर दुर्गेश जो वहाँ के नोडल ACMO हैं उनको भेज के आज जो भी होगी उसको यथानुसार निर्णय लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्राइमरी क्या लग रहा है? देखिए, उनके कहने से तो स्पष्ट लग रहा है, परंतु उसकी बातों स्थिति का तो जांच के उपरांत ही निर्णय हो सकता है। और अब खबर गाजीपुर से, जहां जेल में बंद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज के बाद अफजाल अंसारी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। प्रतिदिन 3 डॉक्टर की टीम अफजाल अंसारी की स्वास्थ्य की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की डायबिटीज पीड़ित होने के चलते तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद जेल में डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज को सूचना दी। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 3 डॉक्टर की टीम को जेल भेजा, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उन्हें दवा दी और जरूरी इलाज किया। बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी गैंगस्टर एक्ट में सजा के बाद गाजीपुर जेल में बंद हैं। बताया गया कि उनको पहले से ही उनको हार्ट की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम थी और थोड़ा बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी थी, लेकिन
रेगुलर उनका एग्जामिनेशन हुआ, उनको दवाई दी गई और ORS का घोल दिया गया। उसके बाद उनकी तबीयत अब बिल्कुल बेहतर है और काफी अच्छी है तबीयत उनकी। मैंने बताया आपको कि यही निकल के आया कि उनकी डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से और थोड़ा गर्मी ज्यादा होने की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी थी और उनकी खून की जांच जब कराई गई तो खून की जांच नॉर्मल आया था। उनको ड्रिप लगी, उनको कुछ दवाइयां दी गई और उसके बाद वो ठीक हो गए और अब उनकी स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर। डॉक्टर का नाम डॉक्टर नारायण पांडे, डॉक्टर भानु प्रताप पांडे और डॉक्टर सुधीर। चेयरमैन जिला सहकारी बैंक बिजनौर निर्विरोध दूसरी बार बनने पर चौधरी दिनेश कुमार का नूरपुर नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त ढोल नगाड़ा आतिशबाजी कर फूलमालाओं से मिठाई बांटकर स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी ने भाजपा नेता चौधरी अजय सिंह, सभासद राजन चौधरी, संदीप जोशी, संजीव जोशी, अंकित जोशी, पुष्पेन शेखावत, सदर रविंद्र सिंह, मुकुल गुप्ता, पुनित चौधरी, विवेक चौधरी सदर और नवनीत कुमार, सुनील चौधरी, बंटी चौधरी तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे और उनका स्वागत करते हुए नजर आए। भारी सरगर्मियां और हु हल्ला के साथ कानपुर नगर निगम का पहला सदन चालू हुआ था। कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों का चयन किया गया, वहीं सर्वसहमति से हुई इस चयन प्रक्रिया के लिए सदन को स्थगित किया गया, जिसके बाद कार्यकारिणी में चुने गए 9 भाजपा और वो 2 सपा और 1 कांग्रेस पार्षदों की घोषणा की गई। घोषणा से पहले निर्दलीय जीते हुए 15 पार्षदों ने महापौर से कार्यकारिणी सूची में एक पार्षद को शामिल करने की बात कही, जिस पर महापौर प्रमिला पांडे ने आश्वासन दिया कि 6 महीने बाद होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में निर्दलीय एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। इसके बाद कुछ पार्षदों का इंट्रोडक्शन हुआ और केडीए बोर्ड बैठक के 4 सदस्यों के चुनाव के लिए दोबारा सदन को स्थगित किया गया। देखिए, आज का सदन इसलिए बुलाया जाता है कि आज हमारी कार्यकारिणी जो घोषित होती 12 लोगों की, वो निर्विरोध चुन ली गई, जिसमें 9 भारतीय जनता पार्टी के, 2 सपा के, 1 कांग्रेस के हो गए हैं। ये सब ठीक है। 4 कैंडिडेट जाना है केजीए में, उसी की सब चल रही है, जिसमें कि हम अपने 3 प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। लड़ाने का तो हमने मन सोचा था, हम अपना 4 लड़ाएँ। अभी तक ये लोग गुमराह किए थे कि सपा और कांग्रेस सपा, 10 मिनट दे दो, आधा मिनट दे दो, तो लास्ट में अभी जाग बताए हैं कि क्या कहते हैं कि अब उन लोगों में सहमति नहीं बनी। एटा में नहर पर नहाने गए 3 युवक लापता हो गए। अलग अलग नहर में तैरते लापता युवकों के शव मिले हैं। 30 युवक की तलाश जारी है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव अंबारी से दोपहर से गायब 3 में से 2 युवकों की बॉडी मिल गई है। युवक अवनीश की बॉडी मिली है थाना बांगड़ा क्षेत्र के ग्राम लोयाबाद शाहपुर की नहर में। वहीं दूसरे युवक मोहित की बॉडी जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली के ग्राम लखौरा के पास बम्बा में तैरती मिली। आपको बता दें कि तीसरे व्यक्ति विनय का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, ना ही वो अपने घर पहुंचा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि यह हादसा है या फिर साजिश है, इसको लेकर लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं एक ही गांव के 3 में से 2 युवकों की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक के परिजनों में मातम छाया हुआ है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम अंबारी में दिनांक 22 जून की दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास 3 युवक जो आपस में पड़ोस के रहने वाले हैं, जिसमी नहर पर गए। वहां पर इनके द्वारा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की गई जो गांव वालों द्वारा पुलिस को मुहैया कराई गई है। आज एक की डेड बॉडी कल रात्रि थाना बागवाला क्षेत्र में बरामद हुई और दूसरे इनके साथी की डेड बॉडी आज थाना कुरावली जनपद मैनपुरी क्षेत्र से बरामद की गई है। ग्रामीणों द्वारा प्रारंभिक छानबीन से बताया गया कि नहर में बहते समय उक्त डेड बॉडी ग्रामीणों के द्वारा वहां पर रोककर किनारे लगाई गई है। घटना के संबंध में तहरीर थाना आजा पर प्राप्त हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना की प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फरुखाबाद के नवागत SP बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। 2017 बैच के IPS अधिकारी विकास कुमार की पहली तैनाती गोरखपुर में रही, इसके बाद अलीगढ़ और वाराणसी में भी एडिशनल DCP ट्रैफिक के पद पर तैनात रहे। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान भी चला चुके हैं। IPS विकास कुमार 5 अगस्त 2021 को आगरा सिटी SP के तौर पर IPS विकास कुमार ने पद संभाला था।
आपको बता दें, 1 साल 10 महीने 18 दिन तक सिटी SP आगरा के तौर पर तैनात रहे। IPS विकास कुमार को शुक्रवार को शासन के द्वारा फतेहगढ़ फर्रुखाबाद जनपद के SP के तौर पर एक बार फिर से तैनाती मिली है। उन्नाव में खुले पड़े सीवर टैंक में मासूम बच्चे गिर गए। मासूम बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। तकरीबन 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। गंभीर हालत में मासूम बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा है। विरोध करने पर पुलिस ने तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सोरामऊ थाने के कस्बे का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।